पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में चल रही लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में कथा में श्रद्धेय श्री रवि शास्त्री जी महाराज के द्वारा शिव विवाह का वर्णन किया गया। इस दौरान बताया गया कि माता पार्वती के द्वारा घोर तपस्या करने के बाद शिव भगवान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं अपने पति के लिए लगातार इस तरह की कठोर परिश्रम और कठोर तपस्या करती हैं, उससे उनके पतियों के जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं उनका विनाश हो जाता है। इस दौरान सुंदर भजनों का भी गायन किया गया जिसमें सभी भक्तगणों ने भजनों का आनंद लिया। इस अवसर पर मौजूद कार्यक्रम में महेश अग्रवाल और उनके परिवार ने अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हुए कहा कि लगातार 8 दिन तक ये कथा का आयोजन जारी रहेगा और श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा भक्तगण इस कथा का श्रवण करें जिससे कि उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का विनाश हो सके। भस्मात्मक शरीरम, मैं शरीर का श्रृंगार नहीं करता, मैं तो आत्मा स्वरूप रहता हूँ, मुझे दुख नहीं सुख नहीं मान नहीं अपमान नहीं। बोले दूसरे के घर जाने दूसरे के गांव में जाएंगे अपने यहाँ के इलाज में तो आप ऐसे रहते हो मन। अरे प्रभु को ना बोलो, भगवान ने आज स्नान किया है गंगा जल से और स्नान करने के बाद संसार गए हैं और पूरे शरीर से भस्म करके आ गए। बोले देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, तैयार हो गया। अब जैसा समाज होता है वैसे ही तो व्यक्ति श्रृंगार करता है। बोले भगवान अभी मुकुट की कमी है, आपने सबने कथा भी सुना है, सर्प का मुकुट बना लिया, कानों में कुंडल के जगह बिच्छू लटका लिए। बोले जिनको कोई स्वीकार नहीं करता, सर को देख करके सब घर से बाहर भाग जाते हैं और मैंने अपने घर में हजारों सर्प पाल रखे हैं। सर को डाल लिया गया तो प्रंगी बोला था, बोले भगवान ऐसे ही जाओगे नंग रंग, तो गया है रंग भी तोड़ करके एक रंग जन्म ले आया। बोले भगवान आज आज से बंद हो दूसरे गांव में जा रहे हैं, आज आपका विवाह हो रहा है दूल्हा बनेंगे। बोले ठीक है तुम कह रहे हो तो बांध लेता हूँ, बांध लिया है। अब बोले जिसको संसार का व्यक्ति अपने साथ नहीं रखता उन सबको निमंत्रण भेजे जो बीत गए जो मर गए भूत प्रेत बेकार दाकनी शाकनी अंतरिक्ष में रहने वाली आत्माएं जल जल में रहने वाली जितने भी हैं क्षेत्रपाल दिगंबर सब मेरी बरात में चलो। अब बरात तैयार हो गई बड़ी बड़ी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।